दोस्तों, इससे पहले जो मैंने झंडू पंचालिस्ट के फायदों के बारे में वीडियो बनाई हुई थी, उस वीडियो में आप सबका मुझे काफी ज्यादा प्यार मिला, उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आपको झंडू पंचालिस्ट को किस प्रकार यूज करना है, कितनी मात्रा में आपको इसे लेना है और दिन में कितनी बार आप इसे ले सकते हैं और इसका रिजल्ट आपको कब तक मिलेगा, किस समय झंडू पंचालिस्ट को लेना हमारे लिए फायदेमंद रहता है और लास्ट में इसे लेने से पहले आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखना और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, इसका प्राइस 132 रुपए है जो आपको 450 ml के प्लास्टिक की बोतल में मिलता है और इसे आप किसी भी मेडिकल स्टोर, आयुर्वेदिक स्टोर से बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं। अगर वहां आपको ये अवेलेबल नहीं होता है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर ऑनलाइन खरीदने की लिंक दी हुई है जिसे आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले बात करते हैं कि इसे आपको यूज कैसे करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप झंडू पंचालिस्ट के फायदे या फिर झंडू पंचालिस्ट का डिटेल्स में रिव्यू देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पेज पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, झंडू पंचालिस्ट को आपको 30 ml बराबर मात्रा में पानी मिलाकर लेना है जैसा कि आप वीडियो पे देख पा रहे हैं। यानी 2 बड़े चम्मच आपको इसे लेना है और उतना ही यानी 2 बड़े चम्मच ही आपको इसमें पानी मिलाना है और इसे आपको खाना खाने के बाद लेना है। दोस्तों, एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपको प्रॉब्लम ज्यादा रहती है जैसे गैस, बदहजमी, एसिडिटी, भूख न लगना, पेट फूलना और कब्ज, इन समस्याओं से आप काफी परेशान रहते हैं तो आप इसे दिन में 2 बार तक खाना खाने के बाद कुछ इस प्रकार भी ले सकते हैं और आपको कुछ ही दिनों में इसके काफी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन वहीं अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती है, कभी कभी प्रॉब्लम रहती है, तो आप इसे दिन में 1 बार कुछ इस प्रकार भी ले सकते हैं। दोस्तों, इसे मेल फीमेल कोई भी ले सकता है, लेकिन अगर बात करें प्रेग्नेंट महिलाओं की तो उनको ये नहीं लेना है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान अननेसेसरी कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए या फिर अधिक जानकारी के लिए आप डॉक्टर की भी सलाह ले सकते हैं। जो डायबिटीज वाले रोगी हैं यानी जिनको शुगर है तो उनको भी इसका इस्तेमाल करने से पहले 1 बार डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है क्योंकि इसमें कुछ मात्रा में शुगर भी ऐड होती है, तो वे अगर इसे लेना चाहते हैं तो 1 बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें। बिना डॉक्टर की सलाह से आप इसका सेवन ना करें। अगर बात करें इसके साइड इफेक्ट की तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, लेकिन फिर भी इसे लेने के बाद आपको कुछ हेल्थ इश्यू देखने को मिलता है तो इसे आप लेना बंद भी कर सकते हैं या फिर अधिक जानकारी के लिए आप डॉक्टर की भी सलाह ले सकते हैं। दोस्तों, एक बात आपके मन में ये जरूर चल रही होगी कि इसका रिजल्ट हमें कब तक देखने को मिलेगा, तो देखिए आप इसे कम से कम 1 से 3 महीना लेके देखिए, आपको इसके बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हालांकि इसका आपको 1 महीने में ही रिजल्ट दिखने लगेगा और अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो आप इसे लेना बंद भी कर सकते हैं। दोस्तों, जाते जाते इतना जरूर कहना चाहूंगा आपसे कि अगर आप झंडू पंचालिस्ट का भरपूर फायदा लेना चाहते हैं तो आपको ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना और एल्कोहल ये सब नहीं लेना है। हेल्दी डाइट लें, सही मात्रा में पानी पीजिए, सुबह एक्सरसाइज करिए और अच्छी नींद लीजिए और अगर आप ये सब बातें फॉलो करते हैं तो आप झंडू पंचालिस्ट का भरपूर फायदा उठा पाएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अपना कीमती समय इस वीडियो को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।